यूक्रेन में फंसे 210 छात्र आज इंडियन एयरफोर्स के विमान से हिंडन एयरबेस पहुंचे। इन्हें यूक्रेन से ब्यूकरेस्ट के रास्ते लाया गया है। प्लेस प्रोवाइड किया रहने का और सारी फैसिलिटीज दी हैं और यहाँ तक पहुँचाया है, तो उसके लिए वी आर वेरी थैंकफुल फॉर द इंडियन गवर्नमेंट। यूक्रेन से लौटे छात्र प्रमोद को उनके पिता हाथ में झंडा लेकर एयरपोर्ट पर रिसीव करने आए हैं। प्रमोद ने वहां के मुश्किल हालात को बयां किया। पोलैंड पे 8 घंटे तक हमारे को पोलैंड बॉर्डर पर रोका गया था -8 डिग्री सेल्सियस पे, फिर वहां से हमारे को निकाला और पोलैंड में पहुंच गया। इंडियन एयरफोर्स के विमान से जिन छात्रों को गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर पहुंचाया गया है, उन सभी ने सरकार का शुक्रिया अदा किया है। साथ ही वहां फंसे साथियों को बचाने की अपील की है। सर खरा का तो खुशी है ऑब्वियसली, वहां पे अभी बहुत बच्चे स्टक है जैसे कि सुमी वगैरह में, तो उनका वैकेशन बहुत जरूरी है। वहां पे रेगुलरली फायरिंग वगैरह हो रही है, बॉम्बिंग हो रही है, तो वहां की जितनी जल्दी वैकेशन हो सके करनी चाहिए। खारकीव से दिल्ली लौटी छात्राओं ने बयां किए यूक्रेन के मुश्किल हालात, कहा कई दिन बंकर में बिताने पड़े। मैं खारकीव में थी और वहाँ की सिचुएशन दिन ब दिन बेकार होती ही जा रही थी, बॉम्ब्स की आवाज आ रही थी और हम लोग बंकर्स में थे ऑलरेडी। विदेश मंत्रालय का बयान, खारकीव से सभी भारतीयों को निकाला जा चुका है। सुमी और पेशोचिन से बच्चों को निकाले जाने पर सरकार का पूरा ध्यान। यूक्रेन से वतन लौटे यूपी के गोंडा के रहने वाले आकाश सिंह और सुयश गुप्ता, परिजनों में खुशी की लहर। गोंडा के कुल 14 छात्र गए थे यूक्रेन, अब तक 8 छात्रों की वापसी। काम से जो हम लोग करते हैं एयरपोर्ट से निकले तो वो अपने एम्बेसी में बस कर दी थी, भारत सरकार ने हमें वहाँ से फ्लाइट करके भारत सरकार ने हमें यहाँ तक पहुँचाया इंडिया तक। जो भी बच्चे बच्चे हैं वो खारकीव और कीव से, उनको भी निकाला जा रहा है लगातार और वो भी बॉर्डर्स तक पहुँच रहे हैं। ऑपरेशन गंगा के जरिए देश लौटे यूपी के सहारनपुर के रहने वाले पारस सिंह, 185 छात्रों को लेकर लौटा विमान। भारत सरकार को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इट इज बेस्ट पावर है, हमारी बस में फ्लैग था हमारी कंट्री का, तो किसी ने ऐसा रोका भी नहीं। दिल्ली एयरपोर्ट पर देर रात छात्रों को लेकर लौटे 2 फ्लाइट्स, ब्यूडापेस्ट और कोसीसे से कुल 434 नागरिक लौटे भारत। केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा ने किया स्वागत। यूक्रेन की जंग में फंसे भारतीय छात्रों को लेकर लौटा विमान मुंबई में उतरा। एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री कपिल पाटिल ने छात्रों का किया स्वागत। ऑपरेशन गंगा के तहत अब तक 100 उड़ानों की घोषणा। 11 मार्च तक 6 प्राइवेट विमान कंपनियों के साथ इंडियन एयरफोर्स की होंगी 100 उड़ानें। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को जल्द वापस लाने का मिशन। रूस और यूक्रेन युद्ध में सबसे ज्यादा चिंता सुमी में फंसे छात्रों को लेकर है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक यूक्रेन के सुमी शहर में 700 से ज्यादा भारतीय छात्र फंसे हुए हैं। यूक्रेन की भारत से अपील, कहा पीएम मोदी करे पुतिन से बात। इजराइल के प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट अचानक मॉस्को पहुंचकर पुतिन से मिले। इजराइल के प्रधानमंत्री अचानक रूस के दौरे पर पहुंचे, जहां उनकी रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात हुई। इजराइल ने रूस यूक्रेन में मध्यस्थता की पेशकश की है। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा ने फिर रूस को धमकी दी है, कहा है कि पुतिन यूक्रेन को उसके हाल पर छोड़ दो, रूस के लोगों की जान बचाओ, रूस बर्बाद हो चुका है। क्वाड की बुलाई गई है आपातकालीन बैठक, अमेरिका ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ भारत भी रहेगा मौजूद। ताइवान को लेकर चीन पर क्वाड की नजर। रूस की सेना का दावा, सुमी में यूक्रेन की सेना ने इराक के 9 सैनिकों को बनाया बंधक। इराकी सैनिकों की हत्या करके इल्जाम रूस के सिर पर लगाने की यूक्रेन कर रहा साजिश। रूस के राष्ट्रपति पुतिन का दावा, कहा यूक्रेन का सैन्य ढांचा बर्बाद कर चुके हैं, अपना लक्ष्य हासिल करके रहेंगे। सीज फायर के ऐलान के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने लोगों से वापस लौटने की अपील की, कहा डरने की जरूरत नहीं।
यूक्रेन की न्यूज एजेंसी का दावा, यूक्रेन ने अपने देश के एक वार्ताकार डेनिस क्रीव को मार डाला। डेनिस दो दौर की बातचीत में शामिल थे। दगाबाजी के शक में हत्या। कीव के आसपास के इलाके में रूस कर रहा है लगातार हमले। कई इमारतें बुरी तरह क्षतिग्रस्त। कीव में हवाई हमले का अलर्ट जारी। पूरे शहर में सायरन की आवाज सुनाई दे रही है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन के कीव का वीडियो शेयर किया। तस्वीरों में रूसी सैनिक और टैंक नजर आ रहे हैं। यूक्रेन के इरपिन शहर को छोड़कर पैदल ही जा रहे हैं लोग। इरपिन में पुल और रेल मार्ग टूटा। तस्वीर में दिख रहे हमले में तबाह हुए पुल को पार कर रहे हैं लोग। एनर्गोदर में यूक्रेन की सिक्योरिटी सर्विस ऑफ यूक्रेन की बिल्डिंग पर रूसी सैनिकों ने किया कब्जा। इमारत पर लगा यूक्रेन का झंडा रूसी सैनिकों ने उतारा। यूक्रेन की वायुसेना का दावा, एयर डिफेंस ने रूस के क्रूज मिसाइल को मार गिराया। क्रामेटोव्स्की में रूस मिसाइल को बनाया निशाना। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बयान, रूस में मार्शल लॉ घोषित करने की उनकी कोई योजना नहीं। पहले अटकलें थी कि रूस में लग सकता है मार्शल लॉ। युद्ध की तैयारी में जुटे हैं कीव के स्थानीय नागरिक और यूक्रेनी सैनिक। हथियारों से लैस लोग बना रहे हैं सड़कों पर बैरिकेड्स। यूक्रेन के समर्थन में इसराइल के नागरिकों ने जमकर प्रदर्शन किया। हाथों में यूक्रेन का झंडा लेकर रूस के खिलाफ की नारेबाजी। रूसी दूतावास के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया। रूस और यूक्रेन युद्ध में सबसे ज्यादा चिंता सूमी में फंसे छात्रों को लेकर है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक यूक्रेन के सूमी शहर में 700 से ज्यादा छात्र अभी फंसे हुए हैं। विदेश मंत्रालय का बयान, खार्किव से सभी भारतीयों को निकाला जा चुका है। सुमी और पेशोचिन से बच्चों को निकाले जाने पर सरकार का पूरा ध्यान। यूक्रेन से वतन लौटे यूपी के गोंडा के रहने वाले आकाश सिंह और सुयश गुप्ता। परिजनों में खुशी की लहर। गोंडा के कुल 14 छात्र गए थे यूक्रेन। अब तक 8 छात्रों की वापसी। काम से जब हम लोग करते हैं एयरपोर्ट से निकले तो वो अपने एम्बेसी में बस कर दी थी, मतलब भारत सरकार ने। हमें वहाँ से फ्लाइट करके भारत सरकार ने हमें यहाँ तक पहुँचाया इंडिया तक। जो भी बच्चे हैं वो खार्किव और कीव से, उनको भी निकाला जा रहा लगातार और वो भी बॉर्डर्स तक पहुँच रहे हैं। ऑपरेशन गंगा के जरिए देश लौटे यूपी के सहारनपुर के रहने वाले पारस सिंह। 185 छात्रों को लेकर लौटा विमान। भारत सरकार को कहा शुक्रिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इट इज बेस्ट पावर है। हमारी बस में फ्लैग था हमारी कंट्री का, तो किसी ने ऐसा रोका भी नहीं। दिल्ली एयरपोर्ट पर देर रात छात्रों को लेकर लौटी दो फ्लाइट्स बुडापेस्ट और कोसीसे से। कुल 434 नागरिक लौटे भारत। केंद्रीय मंत्री भगवंत खूबा ने किया स्वागत। यूक्रेन की जंग में फंसे भारतीय छात्रों को लेकर लौटा विमान मुंबई में उतरा। एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री कपिल पाटिल ने छात्रों का किया स्वागत। ऑपरेशन गंगा के तहत अब तक 100 उड़ानों की घोषणा। 11 मार्च तक 6 प्राइवेट विमान कंपनियों के साथ इंडियन एयरफोर्स की होंगी 100 उड़ानें। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को जल्द वापस लाने का मिशन। आज लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ यूक्रेन से लौटे छात्रों से करेंगे मुलाकात। सुबह 10 बजे तकरीबन 50 छात्रों से मिलेंगे मुख्यमंत्री। सातवें चरण के आखिरी दिन के चुनाव प्रचार में पीएम मोदी ने खजूरी में की जनसभा। समाजवादी पार्टी पर जमकर बोला हमला। कल आखिरी चरण की वोटिंग से पहले बीजेपी ने मोदी की योजनाओं के दम पर भरी जीत की हुंकार। अखिलेश ने ताबड़तोड़ रैलियां कर साधा बीजेपी पर निशाना। हम चारों राज्यों में यूपी के भदोही में योगी आदित्यनाथ ने की रैली। अखिलेश यादव पर साधा निशाना। यूपी में बीजेपी की बंपर जीत का दावा किया। सातवें चरण के मतदान से पहले जौनपुर में अमित शाह ने किया शक्ति प्रदर्शन। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में निकाला रोड शो। यूपी में आखिरी चरण के प्रचार के आखिरी दिन दिग्गजों ने झोंकी ताकत। सोमवार को पूर्वांचल की 54 सीटों पर होना है मतदान। यूपी के भदोही में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भरी हुंकार। मंच से एसपी बीएसपी और कांग्रेस पर किया हमला। यूपी में बीजेपी की जीत का किया दावा। आजमगढ़ में अखिलेश यादव ने भरी चुनावी हुंकार। गोपालपुर में जनसभा को किया संबोधित। योगी सरकार पर बोला जोरदार हमला। जब धुआंधार वोट डालने को तैयार है तो मुझे पूरा यकीन है
कि धुआं उड़ाने वाले इस बार धुआं धुआं हो जाएंगे। वाराणसी में बीएचयू के छात्रों ने मानव श्रृंखला बनाकर लोगों को वोट डालने के लिए किया जागरूक। कल 54 विधानसभा सीटों पर डाले जाएंगे वोट। मणिपुर में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग हुई। कड़ी सुरक्षा के बीच 6 जिलों की 22 सीटों के लिए लोगों ने वोट डाले। 10 मार्च आएंगे नतीजे।